आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप गूगल में बिजनेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं विदाउट ए पोस्टकार्ड पिन। कभी कभी बहुत सारे ऐसे बिजनेस के साथ होता है कि उनके पास उनके एड्रेस पे उनका पोस्टकार्ड पहुंच नहीं पाता, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनको अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए। आज हम वही बात करने वाले हैं कैसे आप विदाउट ए पोस्टकार्ड अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस गूगल सर्च में शो कर सकते हैं। जब तक आपका गूगल में बिजनेस वेरीफाई नहीं होता, तब तक आपका गूगल लिस्टिंग गूगल के सर्च में कभी भी शो नहीं करेगा। इसलिए किसी भी बिजनेस को वेरीफाई होना जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है शोभा, मैं आज बात करने वाली हूँ कैसे आप अपने गूगल में बिजनेस का वेरीफिकेशन कर सकते हैं। गूगल क्या करता है कि किसी भी बिजनेस को सबसे पहले वो पोस्टकार्ड के माध्यम से वेरीफाई करना चाहता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनका होता है वो पोस्टकार्ड के थ्रू वेरीफाई करें। और क्यों करते हैं ऐसा, वो क्योंकि अगर वो पोस्टकार्ड के थ्रू वेरीफाई करते हैं तो किसी भी बिजनेस का एड्रेस भी वेरीफाई हो जाता है। इसलिए गूगल सबसे पहला प्रायोरिटी पोस्टकार्ड वेरीफिकेशन के थ्रू ही किसी भी बिजनेस को देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका अल्टरनेट और क्या क्या वेरीफिकेशन कैसे गूगल कर सकता है। गूगल के बहुत ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो कभी कभी इंस्टेंट वेरीफिकेशन भी हो जाता है, कभी कभी आपको फ़ोन के थ्रू वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू वेरीफिकेशन कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू भी वेरीफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल मेथड के थ्रू अपने गूगल में बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन गूगल कभी भी ये नहीं बताता कि कैसे आप अपने गूगल में बिजनेस को विदाउट अगर पोस्टकार्ड आपका पहुंचता नहीं है तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, और कैसे करेंगे हम ये भी देखेंगे। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी चलेंगे और देखेंगे कैसे आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब कि कब आप विदाउट ए पोस्टकार्ड अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल पोस्टकार्ड आपके एड्रेस पे 12 टू 40 डेज में पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एड्रेस पे आपका पोस्टकार्ड पिन पहुंच नहीं पाता। तो उस सिचुएशन में जब तक आपका 40 डेज आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप विदाउट ए पोस्टकार्ड वेरीफिकेशन नहीं कर सकते हैं। लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं और देखते हैं कैसे आप अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे business.com, ओके, आप एंटर करेंगे, आपका बिजनेस लिस्टिंग जो होगा वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको अपना जीमेल आईडी लॉग इन करके रखना है, तो आप अपना लिस्टिंग इस तरह से ओपन कर लेंगे। डैशबोर्ड में उसके चले जाएंगे, उसके बाद सबसे नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे नीचे सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हेल्प ओपन हो जाएगा। आप हेल्प में स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप नीड मोर हेल्प के पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जैसे ही आप क्लिक कर पूछ रहे हैं आपसे कि आपका क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है आखिर जो कि हेल्प करे। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं कि हमारा पोस्टकार्ड पहुँचा नहीं है, ठीक है। हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ कंफर्म इशू दे रहा है, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए दे रहा है कि बेसिकली आपका इशू किस टाइप का है। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, लेकिन पोस्टकार्ड डिड नॉट अराइव। इस ऑप्शन को आप चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर बहुत चूज़ कर लिया। अब इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप का एक बटन शो करेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है। तो आप इस ईमेल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ जो मेथड आपको देगा वो आपकी ईमेल के थ्रू वेरीफाई करने के लिए देगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म में डिटेल आपको देना है, यहाँ पे फिल करना है। तो इस सभी को आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जिस भी जीमेल के थ्रू आपने गूगल में बिजनेस अपना लिस्ट किया हुआ है, वो उसको ऑटोमेटिक वो ले लेगा। लेकिन आप चाहते हैं किसी दूसरे जीमेल के थ्रू वेरीफाई करना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, तो आप अपने बिजनेस के नाम को यहाँ पे लिख देंगे, एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, आपका जो भी बिजनेस का नाम होगा आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज़ द पब्लिक यूआरएल मैप लिंक टू योर बिजनेस पेज। गूगल में बिजनेस का पब्लिक यूआरएल लिंक आप मैप के थ्रू कॉपी करके देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है कि आप व्यू कर सकते हैं, तो इस पर हम क्लिक करके अपना बिजनेस का यूआरएल कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हमने,
अब इसको हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पे देखिए एक चेक बटन आपको शो कर रहा है। तो इसका मतलब है गूगल यहाँ पे आपसे अनुमति ले रहा है, आपका जो भी वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है क्या वो इस जीमेल के थ्रू, जिस भी जीमेल के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो उनसे वो शेयर कर सकता है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, इस पर टिक जरूर आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कंट्री कौन सा है, तो आप अपना कंट्री चूज़ कर लेंगे। हमारा इंडिया है, हमने इंडिया चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दो तरह का बटन शो कर रहा है, एक वीडियो वेरिफिकेशन, एक वाया ईमेल के थ्रू। तो आप किसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं अपने बिजनेस को? तो बेसिकली जो पहले वाला वीडियो वेरिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं गूगल जिसमें कि वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन देता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ की वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। जैसे हमने इसको चूज़ किया, यहाँ पे देखिए कि किस किस कंट्री के थ्रू ये आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन देता है। यहाँ पे इंडिया का भी है, तो इंडिया में भी ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है। वहाँ पे आपको फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस डेट पे आप चाहते हैं कि आपका वीडियो कॉल आए गूगल के थ्रू, किस टाइमिंग पे आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल वो करें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आप फिल कर लेंगे। लेकिन हम काम करते हैं कि हम ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं। वीडियो कॉल में आपसे वो आपके स्टोर, आपके जो भी ऑफिसेज होंगे, जो भी बिजनेस होगा उसको वो व्यू करेंगे, देखेंगे, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ आपका बिजनेस यहाँ पे है। देन वो आपको एक वेरिफिकेशन पिन देंगे जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। हम ईमेल के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ईमेल के थ्रू जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपका दे रहा है कि कोई भी आपका वेबसाइट है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर होगा तो आप दे देंगे। और यहाँ पे दे रहा है कि आपका फ़ोन नंबर, तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे बिजनेस का। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि कंटिन्यू बाई अटैचिंग 3x3 या 5 अन एडिटिंग फ़ोटो। आप अपने बिजनेस का 3 से 5 हर एक एंगल में फ़ोटो क्लिक करके विदाउट एडिटिंग आप उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपके स्टोर फ्रंट का फ़ोटो होना चाहिए, और आप यहाँ पे अपने चाहते हैं कि कोई भी आपका कस्टमर एंटर कर रहा है तो उस टाइम के आप फ़ोटो को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और इनसाइड व्यू को भी अपने बिजनेस का यहाँ पे आप फ़ोटो उसका सबमिट कर सकते हैं, रोड या गली जो भी है उसके साथ का व्यू आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जो चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे आप अपने फ़ोटो को, जो भी ओरिजिनल साइज़ होगा, आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो भी जैसा भी फ़ोटो क्लिक करें उस ओरिजिनल साइज़ में आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी ऐसे डमी हमने कुछ भी अपलोड कर दिया, लेकिन आपको 3 से 5 यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, जिससे कि आपको वो फ़ोटो अपलोड करना है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके आपके बिजनेस के। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अटैच एनी रेलेवेंट प्रूफ। आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसे रेलेवेंट प्रूफ देना है जो कि आपके बिजनेस को दिखाता हो कि आपका ये बिजनेस है, रन कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने बिजनेस का यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये बेसिकली ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द बिजनेस। यहाँ पे दे रहा है कि आप जो वेरीफाई करना चाहते हैं जिस भी बिजनेस को, उससे आपका रिलेशन क्या है, मतलब कि आप उस बिज़नेस के ऑनर हैं या उस बिज़नेस के एम्प्लॉय हैं या कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उसके बिहाफ पे ये कर रहे हैं, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन दे लेना चाहता है गूगल। तो हम काम करते हैं कि ऑनर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे रिलेटेड केस आईडी यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली है कि आपने कभी भी पहले कोई कंप्लेन या कोई भी इस टाइप के इश्यू को, कोई भी मेल या कुछ भी किया हुआ है, कॉन्टेक्ट किया है गूगल से, तो उसमें कोई भी आपका केस आईडी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको 2 से 3 दिन में ईमेल पे, जिस भी ईमेल के थ्रू आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ पे आप जैसे फॉर्म में भी आपने जो फिल किया हुआ है उस पर आपका गूगल के थ्रू आपका रिव्यू करने के बाद आपके बिजनेस को एक पिन आएगा, आपको उसको यहाँ पे एंटर करने के बाद आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमने बात किया कि कैसे आप विदाउट ए पोस्टकार्ड अपने गूगल में बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।